अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिदा राबेल और एक नई ज़बरदस्त वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। जी प्यारे व्यूवर्स, तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर। रंग बिरंगी बड़ी मज़ेदार सी वीडियो है, बच्चे बड़ों सबको अट्रैक्ट करने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है। जी प्यारे व्यूवर्स, तो आज मैंने विज़िट किया है कराची के खूबसूरत तरीन कलरफुल पार्क का और ये है हिल पार्क। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी प्यारे व्यूवर्स, तो हम हिल पार्क पहुँच चुके हैं। लोकेशन कुछ इसकी यूँ है कि ये है मेन शहीद मिल्लत रोड पर और ये हिल टॉप पर बनाया गया है, तभी इसका नाम हिल पार्क है। अच्छा जी, ये जो सारा है ये हिल पार्क का पार्क एरिया है। एंटर होते ही स्टार्ट में ये बिल्कुल इसका पार्क एरिया है और लेफ्ट साइड पे है फन सिटी। पहले मैं आपके सामने ये सारा पार्क एरिया एक्सप्लोर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पार्क एरिया है। हम थोड़ा लेट गए थे इसलिए सारा ये नाइट व्यू है और आपको जगह जगह यहाँ पर इस तरह के स्टॉल्स भी नज़र आएंगे। पार्क के टाइमिंग शाम 4 से रात 12 बजे तक के हैं। इसके अलावा पार्क में जो एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 30 रुपीज़ है और फन सिटी का भी सेपरेट टिकट है जो कि 30 रुपीज़ है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बाइक पार्किंग, कार पार्किंग सब अवेलेबल है। अच्छा जी, अब हम फन सिटी में आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। इसका टिकट भी हमने बाय कर लिया और ये भी 30 रुपीज़ का है। चलिए अब अंदर चलते हैं। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये, आप देख लीजिए। अच्छा जी, एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे रोलर कोस्टर है और यहाँ पे इसके टिकट बूथ है और ये सारा देख लें आप। ओवरव्यू दिखा रही हूँ आपको, कितनी ज़बरदस्त राइड्स हैं, बेहतरीन राइड्स हैं यहाँ पर, जो आपको कराची के दूसरे पार्क में नहीं मिलती वो तमाम राइड्स आपको यहाँ मिलेंगी। एक ओवरव्यू देख लें आप, क्या खूबसूरत और क्या हसीन तरीन पार्क है। रंग बिरंगी, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर जितनी भी राइड्स हैं सब के टिकट बहुत ही रिजनेबल हैं। मोस्टली जो हैं वो 100, 150 और 200 में है। ज़्यादातर राइड्स की जो टिकट प्राइस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। आप देख लीजिए कितनी ख़तरनाक और ज़बरदस्त यहाँ पर राइड्स हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म की यहाँ पर राइड्स मिलेंगी आपको। अगर आप राइड लवर्स हैं तो फिर ये पार्क आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मोस्टली टिकट प्राइस है वो 100 हैं। इसके अलावा जो बास्केट वाली राइड है, ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर शो हो रही है, इसके 150 रुपीज़ हैं। इसके अलावा डॉजिम के 200 हैं। अदरवाइज़ मोस्टली जो मैं आपको राइड के चार्जेस मिलेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त राइड हैं, ये आप देख लीजिए। जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी राइड्स हैं और प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में आपको ये राइड मिलेगी। यहाँ का पार्क एरिया भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि नाइट व्यू में इतना मज़ेदार नहीं लग रहा। तो अगर आप इवनिंग टाइम में जाते हैं तो यहाँ आपको रोशनी के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा एक पार्क मिलेगा। हिल टॉप भी है जहाँ पर आप पूरा कराची का व्यू देख सकते हैं। तो रात की वजह से इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा जी, फन सिटी में भी बहुत ही ज़बरदस्त सी राइड्स हैं, आप देख लीजिए। ये जितनी भी राइड्स अभी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, इसके टिकट प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। बास्केट वाले के सिर्फ 150 हैं। अदरवाइज़ कैंगरू या इसके अलावा फ्लाइंग कारपेट जो है वो सब 100 रुपीज़ का है। अच्छा जी, अब है डॉजिम कार और यहाँ पे बहुत सारी डॉजिम कार है, लिमिटेड नहीं है, अच्छी खासी डॉजिम कार है। ये इसका टिकट बूथ है और यहाँ पर आपको 200 का डॉजिम कार का टिकट मिलेगा। ये आप देख लीजिए, बहुत सारी कार्स हैं, ऐसा नहीं है कि चंद ही कार्स हो। और अच्छा खासा ज़बरदस्त सा ये पार्क है भाई, 200 में आपको डॉजिम कार मिल रही है। अदरवाइज़ दीगर जो पार्क हैं वहाँ पर 300 या 300 से ज़्यादा में डॉजिम कार मिलती है। तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पार्क से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पार्क के टाइमिंग मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, शाम 4 से रात 12 बजे तक के यहाँ के पार्क के टाइमिंग हैं।
आप इवनिंग टाइम में आए, पार्क सारा इंजॉय करें, वहाँ पे सारे व्यू इंजॉय करें हिल टॉप से, उसके बाद फन सिटी पे आएँ। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी लाइटिंग है, बेशुमार राइड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बनाई हुई है पूरी, फूड स्ट्रीट तो नहीं है सॉरी, यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया गया है, कैंटीन है। वहाँ पर आपको टोकन लेकर तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं, बर्गर वगैरह, गोलगप्पे, चना चाट। आज की वीडियो में मैंने कैंटीन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो मैंने हिल पार्क की वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें पूरी कैंटीन मैंने आपके साथ शेयर की थी, प्लेलैंड भी मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था। लेकिन आज की वीडियो बस शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मकसद यह है कि तमाम राइड्स आपको दिखा दूँ और उसके लेटेस्ट प्राइस भी मैं आपको बता दूँ। ज़ाहिर है बच्चों की वेकेशन चल रही हैं और तलाश रहती है कराची के बेहतरीन मकाम की, जहाँ पर बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, समर वेकेशंस हैं और ईद हॉलीडेज़ भी हैं, इस वजह से यहाँ पर ठीक ठाक रश है, आप देख लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पर रश होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, आप लोग इजीली इंजॉय कर सकते हैं। वीकेंड पे तो हर एम्यूजमेंट पार्क में ही रश होता है, ऐसा लगता है कि पूरा कराची और आउट ऑफ कराची वाले भी यहीं आ गए हैं। और ये है, यहाँ पर आपको गेम्स मिलेंगे, बच्चों के टोकन वाली राइड्स मिलेंगी आपको, तो चलें अंदर चलते हैं और अंदर चल कर भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो गेम के टिकट प्राइस थे वो 300 रुपीज़ थे, इसके अलावा जो टोकन है, ये बच्चों के टोकन वाली जितनी भी राइड्स हैं ये सब 30 रुपीज़ का आपको एक टोकन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको चिल इन्वायरमेंट मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इन्वायरमेंट बड़ा चिल था एसी की वजह से, और बाहर इतनी कोई शदीद गर्मी हो रही थी, लेकिन लोग इन्जॉय करने में बिल्कुल मसरूफ़ थे और फुल राइड्स वगैरह ले रहे थे, खाने पीने में माशाल्लाह मसरूफ़ थे, क्योंकि घूमना फिरना तो साथ चलता है, तफरी तो चलती है। मैं आप अब आई थी इस राइड को कवर करने के लिए, ये देख लें भाई कितनी ख़तरनाक ये राइड है, और बैठने के लिए वाकई में इसमें हिम्मत चाहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पर बेशुमार राइड्स हैं, सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने चैनल पर ऐसी ज़बरदस्त सी धमाकेदार वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। अच्छा जी देखिए, सामने रोलर कोस्टर है और मैं यहाँ से काफ़ी दूर खड़ी थी तो मैंने जूम करके आपको दिखाया, ये देख लें इतना कोई रश होता है। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ हिल पार्क की शेयर की थी उसमें मैंने आपके साथ तमाम राइड्स जो हैं वो पूरी पूरी डिटेल में शेयर की थी, रोलर कोस्टर भी आपको क्लोज दिखाई थी, लेकिन आज वहाँ कुछ ज़्यादा ही रश था इसलिए उस साइड पे मैं नहीं गई और बस दूर से ही मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया। एक ये देख लें भाई, ये कौन सी राइड है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त राइड्स हैं यहाँ पर, ये देख लें। तमाम राइड्स पर कंटिन्यूसली रश है और कितना ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है, आप देखें कलरफुल लाइटिंग व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे तो ये पार्क बहुत ही पसंद है, बस हमारी रेजिडेंस से दूर बहुत है। अच्छा जी, डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, फिर भी कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।